बेवजह बरसों की नहीं जुस्तजू, उम्र कम हो पर वह हुनर चाहिए। आज के समय में यह नज्म लखनऊ आर्ट कॉलेज के उन स्टूडेंट्स पर सटीक बैठती है जिनके हुनर की मांग देश के कई हिस्सों में है। इन छात्रों का काम ही दूसरे स्टूडेंट्स की पहचान बनाना है। दरअसल कुछ छात्र राजधानी की आम्रपाली योजना में स्कल्पचर क्षेत्र में एक वर्कशॉप चला रहे हैं। वह स्कल्पचर तैयार कर पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल सपने को साकार कर रहे हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके कदमों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, इस पंक्ति को आज सच कर दिखाया है आर्टिस्ट जयकिशोर सागर ने, जो विलुप्त हो रही स्कल्पचर कला को आज संजोए हुए हैं और साथ ही साथ इस कला के जरिए एक लोगों के लिए एक नज़ीर भी बने हुए हैं और इस स्कल्पचर के माध्यम से एक समाज में एक मैसेज भी दे रहे हैं कि ताकि कला किसी की मोहताज नहीं होती। आइए बात करते हैं जयकिशोर सागर जी से, वो किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत के नव निर्माण की अपना योगदान दे रहे हैं। थैंक यू। मेरा नाम जयकिशोर सागर है, लखनऊ विश्वविद्यालय से मैंने मास्टर किया है मूर्तिकला में और वहाँ पर एज ए गेस्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। फिलहाल मैं अपना पर्सनली काम कर रहा हूँ, अपना मेरा वर्कशॉप है यहाँ लखनऊ में। मेरी 25 से 30 लोगों की एक टीम है जो मिल के हम लोग काम करते हैं और ऑल ओवर इंडिया में मेरा वर्क यहाँ से जाता है। मेरी कोशिश ये है कि मैं ये सोचता हूँ कि नौकरी करने के बजाय हम क्यों ना 4, 6, 10 लोगों को रोज़गार दिया जाए। तो उसी को सोचते हुए मेरे पास 25-30 लोगों की टीम है और मैं कोशिश करूँगा आगे कि हम इसको बढ़ाएँ और काम को और बेहतर तरीके से लेके जाएं। जयकिशोर जी, जब आपने इस वर्क को शुरू किया तो उस वक्त किस कौन कौन सी आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ा, किस किस तरीके से आपको आगे बढ़ने में मदद मिली? चुनौती तो होती हैं लेकिन उनका जिक्र करने की बहुत ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि वो वर्क का हिस्सा है। हम उनको चुनौती कह लें या फिर वर्क का हिस्सा कह लें, हाँ ये ज़रूर है कि थोड़ा सा आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है कोई भी काम करने के लिए। हमें लगता है कि कुछ आर्थिक समस्या ना आए तो ज़्यादा बेहतर हम कर पाए। जिस तरीके से आप मूर्ति आप जो बनाते हैं जो देश के कई हिस्सों में आप किसकी डिमांड है, तो इसके लिए गवर्नमेंट से आपको कुछ मदद मिलती है? नहीं, कुछ नहीं, इसमें हम अपने लेवल पर जो कर पाते हैं बस वही है। सर, सबसे बड़ी बात तो मैं सबको जय भीम नमो बुद्धा कहना चाहती हूँ और बचपन से शौक रहा है मेरा और इसमें काफ़ी सपोर्ट रहा है मेरी फैमिली का और टीचर्स का, तो मैं स्कल्पचर लेना ज़्यादा पसंद करती हूँ। इसमें क्या है, बचपन से लेके अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो हिस्ट्री में ही स्कल्पचर्स हमको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जो साक्ष्य मिले हैं वो हमको स्कल्पचर से ही मिले हैं और कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ा सा कम नज़र आती हैं, तो इसमें काम करने का मुझे अवसर मिला और मैं चाहती हूँ कि ये लोगों तक बहुत अच्छे से पहुँचे, तो ये सारी चीज़ें पहुँच भी रही हैं लोगों तक। यहाँ जिस तरीके से आपने सुना कि स्कल्पचर की जो इतिहास है इसका कई समीकरण आपको इतिहास में भी देखने को मिल जाएंगे और स्कल्पचर की जो दुनिया है एकदम नया दुनिया है, कल्पनाओं की दुनिया है, तो ऐसे में स्कल्पचर जो कला है धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है और लोगों का रुझान इस ओर भले ही कम है लेकिन आज भी जयकिशोर और उनकी टीम इस स्कल्पचर कला को जीवित किए हुए हैं। कैमरामैन बाबूलाल के साथ विनय शुक्ला, डेली इंसाइडर लखनऊ।